क्या टॉप स्पीड है, 0 to 60, 0 to 100, 0 to 120 कितने टाइम में जाती है, कौन से गियर की क्या मैक्सिमम स्पीड है और कौन से गियर की क्या मिनिमम स्पीड है, परफॉर्मेंस वाली हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सब कुछ बताऊंगा, बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है और क्या रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, सब कुछ देखोगे भाई आप। यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर विजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो बाइक की ये देखते हैं कौन से गियर में मिनिमम कितने की स्पीड पर चल पाती है। और एक चीज बताना चाहूंगा, बाइक का ना जो लोअर आरपीएम पे जो टॉर्क डिलीवरी है ना भाई, कमाल की है। मतलब कम स्पीड पे भी आप चलते हो या फिर गियर के अंदर, मतलब ऐसे जैसे थ्रोटल मैंने छोड़ दिया है और बाइक अभी मस्त चल रही है। सेकंड गियर में 15 पे, फर्स्ट गियर की देखना भूल ही गए थे अपन, फर्स्ट गियर की देखते हैं पहले। तो फर्स्ट गियर में है बाइक 9 की स्पीड पर, और सेकंड गियर में है, अभी मैंने लगा दिया एक्सलेटर और मेरा हाथ नहीं है, सेकंड गियर में चल रही है भाई बाइक 15, ठीक है। और थर्ड गियर की देखते हैं, थर्ड गियर में थोड़ा सा झटके ले रही है बाइक, बट हाँ अभी ठीक हो गई, अभी स्मूथ हो गई, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। अभी थर्ड गियर में चल रही है भाई 20 की स्पीड पर। और अभी लगाते हैं फोर्थ गियर, फोर्थ गियर में थोड़ा झटका ज़्यादा लगी बाइक, बट ये चल जाएगी, मुझे मैंने चलाकर देखी है और ये अपने आप में बहुत सही बात है भाई। इसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक फीचर्स या टेक्नोलॉजी नहीं आती जिससे कि ये अपने आप चल सके, बट ये जितना भी चल पा रही है अपनी टॉर्क डिलीवरी और अपने फ्यूल इंजेक्शन की मदद से। तो अभी हल्के हल्के झटके हैं, बट ये स्मूथ हो जाएगी जल्दी। और अभी चल रही बाइक फोर्थ गियर में 27, अभी स्मूथ हो चुकी है बिल्कुल, 26-27 इतने की स्पीड पर चल रही है। फिफ्थ गियर में बाइक चल नहीं पाएगी, इतना ही था, बाकी अपन वैसे लगा कर देखते हैं कितने की स्पीड पर अपन चला सकते हैं। अब फोर्थ गियर में थी, फिफ्थ गियर में थोड़ा स्मूथली अगर आपको चलना है तो कम से कम स्पीड होनी चाहिए 38 या 40 के आसपास, 38 के आसपास बाइक चलेगी फोर्थ गियर में, या मतलब 40 मान के चलो, 40 के आसपास स्मूथली चला सकते हो फिफ्थ गियर में। अब सिक्स्थ गियर की देखते हैं अपन, थोड़ा सा एक्सलेट करते हैं बाइक को। तो सिक्स्थ गियर में भी यार 49-48 के आसपास से आप बाइक को चला सकते हो, देख रहे हो 50 के आसपास बाइक चल रही है, तो 50 या 50 से अबोव चल जाएगी, मतलब मिनिमम सिक्स्थ गियर में 50 के आसपास बहुत ही मस्त स्मूथली चल जाती है बाइक। और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, जो इसमें सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है ना इस इंजन को लेकर भाई, इसकी स्मूथनेस बहुत ही स्मूथ लगता है इंजन। और जो नॉर्मल, मतलब आप कभी भी बाइक को पुल करना चाहते हो ना, जैसे कि मान के चलो अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, 30 की स्पीड में मैंने पुल किया भाई, अच्छा खासा टॉर्क फील होता है बाइक के अंदर। और अभी सिक्स गियर में डालते हैं बाइक को डायरेक्ट, तो आपने नोटिस किया होगा जैसे नॉर्मली बाइक में क्या होता है, टॉप गियर में बाइक कम स्पीड पे होती है ना, तो टॉर्क इतने अच्छे से फील नहीं होता, मतलब एक होता है ना कि मतलब पावर थोड़ी कम फील होती है, बट इसमें थोड़ा सा बेटर वो चीज़, जैसे अपन ने सिक्स गियर में भी थ्रोटल दिया ना भाई, वहाँ पे भी टॉर्क फील होता है बाइक के अंदर, टॉर्क डिलीवरी बहुत अच्छी है यार, सीरियसली बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी देखते हैं बाइक कौन से गियर में कितने की मैक्स स्पीड पर जा पाती है, मैक्स स्पीड क्या है, फर्स्ट गियर की देखते हैं, फर्स्ट गियर में बाइक जा रही है 50, 75। सेकंड गियर में इसका मीटर हल्का सा स्लो है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा पुल करके रखना पड़ता है। थर्ड गियर में 100, फोर्थ गियर में देखते हैं 123, फोर्थ गियर में 124 तक भी चली जाएगी आई थिंक, मैंने अगर एक सेकंड और होल्ड किया होता बाइक को, बट ये आगे मशीन थी ना तो इस वजह से मैंने स्लो कर ली, तो 124 फोर्थ गियर में। फिफ्थ गियर की, तो अभी अपन देखते हैं 0 to 60, 0 to 100 और 0 to 120 कितने टाइम में जाती है बाइक, ये परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी है। ओहो 120 तक आपने देख लिया, अभी एक बार अपन थोड़ा भगाते हैं और, बट नहीं भगा पाएंगे यार, क्योंकि आगे वो एक बुलडोजर सा आ रहा है, तो मुझे स्लो करनी ही पड़ेगी बाइक। वो येलो कलर का आ रहा है, दिख रहा है आपको, कोई नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ी देर में दिख जाएगा, पास जाऊंगा उसके तब दिखेगा। तो ये साइड नहीं देगा भाई, मुझे पता है, देख रहे हो, अरे रोड इतना हैवी नहीं कि ये मुझे साइड दे पाए, इसकी हिम्मत नहीं
मतलब हिम्मत इसकी नहीं है, एक्चुअली मेरी नहीं है कि मैं इसे साइड ले पाऊँ इतनी स्पीड पर। अभी देखते हैं भाई कि टॉप स्पीड क्या है भाई, टॉप स्पीड इसके लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे ना, अभी टाइम आ गया है। दो अटैम्प करेंगे, अपना पहला अटैम्प रहेगा, इसके बाद एक अटैम्प और करेंगे। भाई क्या पुल करती है ना, मज़ा आ जाता है। वन टेन, वन फोर्टी एट, वन फोर्टी नाइन, वन फिफ्टी वन, वन फिफ्टी टू, वन फिफ्टी फोर, वन फिफ्टी फाइव, वन फिफ्टी सिक्स, वन फिफ्टी सेवन, 158 तक भाई गई थी। एक बार और अटैम्प्ट करके देखते हैं, उसमें आई थिंक थोड़ा और बेटर कर पाएगी। ये रोड ख़त्म हो गया, दूसरे रोड पे चलते हैं। भाई 159 बस इतना ही जाएगा आई थिंक, थोड़ा और कोशिश करता तो 160 चली जाती, बट इससे ऊपर कुछ नहीं है बस। ये मैक्स टॉप स्पीड है मैवरिक 440 की, और अगर हाईवेज होते तो थोड़ा सा ट्राई कर लेता, बट यहाँ पर मोस्टली जगह मैंने देखा यार ऐसे सिंगल टच रोड है, बट फायदा ये है कि इन पर ट्रैफिक नहीं है, तो इस वजह से मैंने कर लिया। अगर ट्रैफिक होता ना तो मैं टॉप स्पीड करता ही नहीं। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही अच्छी बाइक की, और 159 जाना भी बहुत बड़ी बात है इस बाइक के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। ये बाइक बनी होती है भाई रिलैक्स राइड देना, मतलब आपको ना राइड रिलैक्स मिले, मतलब आप जब बाइक को चलाते हो 110 120 तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर सको, उस वे से बाइक बनाई गई है और उसी वे का मतलब उसी टाइप का इंजन है। तो ये एक कंफर्टेबल राइड देने के लिए बनाई है, ना कि एक परफॉर्मेंस बाइक है जिससे कि आप परफॉर्मेंस चेक करो। बस हमारा तो कंटेंट है, और आप लोग कमेंट कर दो कि भाई टॉप स्पीड क्या है, इस वजह से हम बना लेते हैं, बट परफॉर्मेंस के लिए सबसे बढ़िया बाइक तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही होती है। ये आपकी राइड के लिए, आपको घुमाने फिराने के लिए है, क्रूज करो, इससे मज़ा आएगा क्रूज करने में। परफॉर्मेंस तो नो डाउट मैं बोल रहा ना, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी बढ़िया है। एक होता है ना कि आदमी पहले से सोच के रखता है, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती नहीं है, जैसे कि हमने 350 क्लासिक को देखा है, होंडा की CB350 को देखा है, बट 440 सीसी जरूर है, बट ऐसा होता है ना कि यार कितना कर पाएगी, बट फिर भी इतना कर पाना ना बहुत बड़ी बात है यार। तो मस्त है परफॉर्मेंस, एक नंबर। तो इस वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो और खुश रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मज़ा आ रहा है यार, थोड़ा बोलने की ट्यूनिंग मेरी चेंज हो गई है, तो माफ करना क्योंकि मुझे बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं, तो फ्लो फ्लो में हो जाता है मेरे से। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, खुश रहो यार।